एक मिनट ठीक है ना एल्विश, मेरे को चार मिनट चाहिए सच बताऊं तो भाई, एक मिनट आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे लिखा था कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो इस व्लॉग में बताऊंगा मैं हैदराबाद क्यों जा रहा हूँ। तो अभी एक बार विकास भाई आ रहे हैं, मेरे को एयरपोर्ट छोड़ेंगे और वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, मेरे को दिखाऊंगा कौन कौन आ रखा है। तो सबसे मिलेंगे, पहले विकास भाई को आ जाने दो, फिर मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी क्या है इसकी, ठीक है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पे और मेरे साथ मौजूद है, मैंने आपको बोला था कि बहुत दोस्त वोस्त आएंगे मेरे, तो ये भाई आ गया हमारा नाजिम ब्रो, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया भाई बढ़िया, मजे में, तुम बताओ? भाई हैदराबाद जाके खाएंगे दोनों भाई हम हैदराबादी बिरयानी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वैसे मैं बता दूँ बिरयानी तो मुरादाबादी फेमस है, तो हाँ मतलब वो भी खा ही लेंगे यार। और वसीम भाई के हाथ का चिकन कब खिला रहे हो भाई? वसीम भाई यार अभी वो बाहर खड़े हैं, यहीं बनाएंगे एयरपोर्ट पे, यहीं पे हम अपनी आंडी वांडी लेकर तैयार हैं। और धीरज भाई चिकन खाओगे क्या तुम? भाई मैं वेज हूँ। वीगन हो तुम? वीगन या नॉट वीगन, वेजिटेरियन। बिरयानी तो खा लोगे? बिरयानी, वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। मतलब भाई एक डेयर है तुमको, ठीक है? मतलब और डेयर ये जो पीछे ना लड़की दिख रही है, नहीं दिख रही? दिख रही है। अरे कैसे देख, कान कंफर्टेबल कर दिया उसको। उसको ना जाके बोल के आओ कि क्या हाल है, बस इतना सा। मुझे अभी पिटने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं बाद में पिटूंगा, ठीक है? वो रात को तो वैसे पिटना ही है भाई तुम्हें, टीडीएम में तो, टीडीएम पबजी में तो पिटना ही है भाई तुमको। नहीं पिटूंगा मैं। धीरज भाई तुम भी खेलोगे क्या पबजी? रात को रात खेलूंगा, बट यार मतलब तुम भी पिटोगे मतलब मेरे से? चार लोग खेलते हो ना, वो बना लेंगे ना रूम, रूम में मारूंगा भाई, रूम बना के फिर भाई मैं पता क्या करूं, मैं पता क्या करूं, देखो रूम में रूम की चाबी बंद करके खा लूंगा और बहुत मारूंगा, वो तो पता चलेगा ना। नाजिम ब्रो मालदीव्स की ट्रिप है, अगर मैं हार गया तो? कौन सा माल? मालदीव। कौन सा माल? मालदीव भाई, ठीक है? और इसे तो पैदा ही ना हो दूंगा मैं, ठीक है भाई? तो मैं पैदा भी ना हो दूंगा भाई पबजी में। अबे तेरी पेटी पे से धुआं ना हटेगा, इतना मारूंगा तुझे। भाई तुम्हारी किल्स देख ली मैंने, 9 किल्स थी, 9, ठीक है? एक दूसरे पे चैलेंज दे दिया मैंने round2hell को, ठीक है भाई? शाम को मिलते हैं फिर, चलो शाम को है पबजी में फिर। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद के एयरपोर्ट पे, तो भाई तुमने चुराया जो है ये तुम वापस दोगे? नहीं देंगे भाई। तुम्हें चुराने का मतलब ही क्या होता है फिर? चुराई हुई चीज आज तक किसी को वापस दी है? इस भाई ने मेरी आंखों का आगे, मेरी कजरारी आंखों का आगे, ये चुराया मेरा नेकरेस्ट। और मजा भी आ रहा है इसको, तो गाइस मिलते हैं, मजा मान दिया मजा। तो गाइस अब होटल में मिलते हैं, सीधा दिखाता हूँ तुमको कैसा होटल होटल है, सेक्सी, अभी देखते हैं कैसा होता है। सो गाइस हम लोग सारे होटल के रूम पे पहुंच चुके हैं, कपड़े मेरे बदल रखे क्योंकि मैं आकर सो गया था, और अब आँख खुली है, बीच में एक बार और खुल गई थी, तो अब मैं तुमको दिखाता हूँ रूम कैसा है यहाँ का, नव होटल होटल का नाम भी देख लो कैसा सा, अब दिखाता हूँ एंट्रेंस है यहाँ से। और सुनो भाई रूम थोड़ा बिखरा बिखरा पड़ा तो उसको इग्नोर करना, और चलो दिखाता हूँ, ठीक है? ये होगा एंट्रेंस, एंट्रेंस के बाद ऐसे पहले जाते हैं वॉशरूम में, ये आ गया बहुत क्या सेक्सी शीशा, ठीक है? और ये मेरा बाथ टब कैसा ही रहा, और ये यहाँ पे इन लोगों ने दे रखी है अलमारी जहाँ पे मैंने अपना ये सूट वगैरह टांग दिया, और इसमें भी अलमारी सी है, और ये है सामान सौदा इनका, कॉफ़ी मशीन, और ये है भाई एक मिनी बार। तुम कभी भी ऐसे होटलों में आओ तो यहाँ बियर वियर रखी है वैसे, तो ये चार्जेबल है ये सारी चीज़ें जो जो रखी है, बस ये पानी कॉम्प्लीमेंट्री है, पानी के अलावा तुमने किसी चीज़ के भी हाथ लगा दिया ना तो तुमने भरना पड़ेगा पैसा। और फिर उसके बाद यार बेड है अलग अलग वाले, आज अकेले ही सो रहा हूँ इसमें, और ये थोड़ा सामान बिखरा पड़ा मेरा खुलना हुआ, तो इसको देखना मत ज़्यादा तुम लोग, ठीक है? और ये कैमरा कोमरा का सामान, ये मेरा मैच्योर बैग, और इससे बाहर से लुक आता है, ये बाहर है इसके स्विमिंग पूल जहाँ हम लोग पार्टी कर रहे थे, मतलब पार्टी तो क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो एक मिनट कैसे मुड़ता है, तो ये था भाई मेरा रूम टूर। मेरे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसा मैं मतलब पुराने होटल्स में गया हूँ जो भी अच्छे अच्छे हैं, वैसा तो नहीं मिला मेरे को, बट सेक्सी है, तो जितना मिले उसमें खुश रहना सीखो तुम भी और मैं भी। तो मिलते हैं कल सुबह, हम लोग मतलब round2hell वालों का शाम को 5 बजे पैनल है
पैनल नहीं उनकी, उनका टॉक है। मेरा पैनल उससे अगले दिन मतलब कि 23 तारीख को सुबह 12-1 बजे के आसपास है। तो हम लोग चार मीनार भी घूमेंगे और हैदराबाद में जो जो फेमस जगह है सारी चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को। कल जा सकते हैं शायद, तो चार मीनार पे मिलते हैं या फिर सुबह मिलते हैं, काम करते हैं। उत्ता कहाँ से हो रही बहन चूत। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी आंख अभी खुली, मैंने कैमरा लगा रखा था यार टाइम लैप्स पे कि रात से दिन होने का ले लेगा ये, पता ना इसने क्या करा क्या नहीं करा। मैंने चेक करा सुबह उठ के, चांदना चांदना से दिखा रहा, कुछ रिकॉर्ड नहीं करा इसने। एक तो वो मेरा ख़राब हो गया, ऊपर से मेरी आँख यार यहाँ पे 6 बजे खुल गई थी, पता ना यार नींद ही नहीं आ गई थे मैं बिल्कुल भी। एक ऐसे बेड है, बेड तो चलो सही है बट छोटा बेड है और ऊपर तक तकिए इतने मोटे मोटे, हमारे स्लिप डिस्कोर करवाएंगे। तो मेरी आँख खुली थी सुबह 6 बजे, अब मिस कॉल आ रख, मतलब 6 बजे खुला था फिर मैं दोबारा सो गया, मतलब जो होता है सुबह उठ के दोबारा सो जाते हैं। तो मिस कॉल आ रखी थी धीरज भाई की, नाजिम की, कि भाई ब्रेकफास्ट के लिए चलना है ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि 10 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलता, नहीं तो उसके बाद पता नहीं क्या, उसके बाद नहीं मिलता मेरे हिसाब से, मतलब मिलता है बट अलग चीज़ें मिलती हैं। तो अभी मैं तैयार हुआ हूँ, फ्रेश व्रेश होकर ब्रश व्रश करके अभी मैं निकलूंगा खाने के लिए, और देखते हैं इन्होंने क्या बना रखा। हैदराबाद आए तो भाई हैदराबादी बिरयानी तो अब तक खुआ ही नहीं, बट चलो ट्राई करेंगे कि कहीं मिल जाए ना, मेरी तो बाहर चार मीनार के आसपास तो मिल ही जाएगी। तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या बना रखा, परांठे परांठे हैं क्या, ऐसे ही है। आओ मैं अभी लंच करके आया नीचे, भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैंने इन होटल वालों को बोला कि एक क्रोसिन दे दो मेरे को, क्रोसिन भिजवा दो कॉम कुछ तो भिजवा दो मतलब। और ये एक नाम नाम का 5-स्टार होटल है, सुबह है तो ले गए इन्हें, अब भेजिए, अब भेजा इन्हें पत्ता, इनको फ़ोन करो 0 पे ना, बहुत सारा ना पता क्या उठपटांग चीज़ें इनकी, रिसेप्शन पर कॉल करो या इमरजेंसी पर करो, फिर वो कहेंगे आप 0 पर करो। ऐसा सरकारी दफ्तर बना रखा है, इसे सरकारी घोषित कर दो ना भाई, कभी भी हैदराबाद में आओ ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई दुश्मनी है इनसे, पर ये जो नोवोटल होटल है 1 घंटा दूर है एयरपोर्ट से, इसमें ना आना मत यार, तो मैं तो आखिरी बार आ रहा हूँ यहाँ, बेड की जगह बेड नहीं और दवाई की जगह दवाई नहीं, कुछ नहीं है इधर। तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अभी दवाई ली है मैंने इनकी, तो अभी देखता हूँ थोड़ी देर सोऊंगा, आराम मिल जाए तो फिर कल सुबह मिलते हैं। अब थोड़े पसीने वसीने आने शुरू हैं, थोड़ा उतरेगा बुखार, ठीक है कल मिलते हैं फिर, मैं सो जाता हूँ। तो गाइज़ आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए, मतलब जिस काम के लिए मैं हैदराबाद आया हूँ वो काम है आज। अभी 12:30 बजे, अभी 11 बज रहे हैं, अभी नहा धो के तैयार होऊंगा, फिर मेरा पैनल है, मेरा टॉपिक है रीजनल कंटेंट की खासी इग्नोर करना कि आप, जैसे मैं हरियाणवी में बनाता हूँ कभी कभी तो नहीं मतलब सारी, तो उसको बताना है कि आप अपनी रीजनल कंटेंट से भी वायरल हो सकते हो। जैसे मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है और भी क्रिएटर आ रखे हैं जिनके, मतलब उनके भी जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपनी कोई बनाता तेलुगू में, कोई बनाता हैदराबादी में, मतलब सारे क्रिएटर हैं अलग अलग लैंग्वेज वाले, तो सबको अपनी बतानी है कि आप अपनी लैंग्वेज जो आप बोलते हो उससे भी वायरल हो सकते हो, मतलब उसकी ऑडियंस भी है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बनाओगे हिंदी में बनाओगे। तो अभी मेरा पैनल शुरू होगा, अभी मैं नहा लेता हूँ जरा, ठीक है उसके बाद फिर मिलते सीधा पैनल पे। तो गाइज़ अब मैं जा रहा हूँ, मैं नहा नू के तैयार हो लिया हूँ, अब मेरा पैनल है नीचे, टॉक है, तो क्वेश्चन वोशन मैंने आपको बता ही दिया था किसके बारे में, तो अभी देखते हैं। नर्वस हूँ मैं, थोड़ा सा नर्वस हूँ, मतलब जैसे पहले मैं किसी शो वगैरह में गया हूँ उनमें बहुत ज़्यादा नर्वस होता था, पर इसमें नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, मतलब नू समझ लो 1% हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या मेरे को और नर्वसनेस बढ़ा देंगे वहाँ जाके, नहीं मज़ा मान देंगे, ठीक है चलो। तो पैनल टॉक खत्म हो गया, उसके बाद एक इंटरव्यू था वो भी खत्म हो गया, अभी देखा होगा आपने इससे पिछली क्लिप में। पर खासी खत्म नहीं हुई है, खासी भी खत्म कर देंगे अभी हम सारे लोग, हमारा 4 बजे का चेकआउट है, मतलब अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 3:30, तो आधे घंटे में अभी पैकिंग वैकिंग करूंगा मैं, और उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं वसीम भाई? चार मीनार 1 घंटा दूर है यार, हमारी 9 बजे की फ्लाइट है तो कुछ पहुँचना पड़ता है उस हिसाब से, चार मीनार देखेंगे, नहीं तो फिर हैदराबादी बिरयानी है यहाँ की, और बड़ी मुश्किलों से मैं ठीक हुआ हूँ भाई, क्रोसिन खा के ठीक हो गया, चलो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अभी हम जाएंगे चार मीनार से, अगर चार मीनार नहीं पहुँचे तो फिर हम खाएंगे हैदराबादी बिरयानी यहाँ की, सीधा एयरपोर्ट, और उसके बाद एयरपोर्ट और फिर अपने घर, घर की बहुत याद आ रही है क्योंकि मैं सीधा हिमाचल से सीधा यहाँ आया हूँ, अब मुझे घर जाना मम्मी के पास, तो अभी मैं जा रहा हूँ पहले चार मीनार फिर जाएंगे एयरपोर्ट, चलो। We'll be right back.
ठीक है ना एल्विश? मेरे को चार मीनार चाहिए सच बताऊं तो भाई, एक मीनार है, इससे काम चल सकता है तो देख लो। अब मेरे को छह मीनार चाहिए। अब तू तो ज्यादा कर रहा है। कुतुब मीनार चाहिए मुझे। कुतुब मीनार तो दिल्ली में मिले, वो दिल्ली में मिलेगी, टेंशन मत ले भाई। वो लड़की पूछ रही तुम्हारे बारे में, पीछे वो कह रही थी कि वसीम भाई से मिलवा दो। ये चारों तरफ है, ज्यादा मत बोला, पेड़ देंगे, तेल नहीं मिलो बस रहने दे यार। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं चार मीनार पे, ये वसीम भाई लड़की से टकरा गया है। तो यहाँ पे तुम लोगों को शायद मेरी आवाज ना आ रही होगी, यहाँ पे रश काफी है, तो अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं हम लोग, लेट हो रहे हैं काफी, क्योंकि यहाँ पहुंचते पहुंचते भी काफी टाइम हो गया, सारी टाइम लग गया, तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर ही। ठीक है, सो बिरयानी खाकर कैसा लगा एलिस एयरपोर्ट पर? भाई बहुत ज्यादा एडवेंचरस, मैं तो ये डरता था बवासीर ना हो जाए। मतलब बहुत रिस्की काम है बिरयानी, वो भी एयरपोर्ट, मतलब इज्जत इज्जत का सवाल है, वो भी हाथ से खाना, चम्मच भी नहीं हाथ से ऐसे। चलो मैं दिखाता हूँ कि वो दोनों कहाँ खा रहे हैं बिरयानी। आओ भाई, ये एक तो इसका हाथ, इसका हाथ देखा, हाथ ये बिरयानी खा के आ रहा है जिंदा, जा रही हूँ हाथों में जा रही है। तुम्हें पबजी में कौन हरा? हरा गया, हरा दिया तुम्हें भी, हरा दिया ना भाई, हरा दिया जो भी व्लॉग आएगा इसी चैनल पे आएगा, और फिर मिलते हैं अभी, मे बी कल ही निकाल दूं, क्योंकि मैंने ना व्लॉग बना के रेडी कर रखे हैं, क्या पता कल परसों में निकाल दूं, मैं निकाल तो जाऊंगा व्लॉग, अभी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है गाइस, मिलते हैं।